सब्सक्राइब करें एसजी सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो क्रीमें रखी हुई हैं। सबसे पहला है हमारा फेयर एंड लवली का आयुर्वेदिक केयर क्रीम जो कि अभी नई ही मार्केट में लॉन्च हुई है, जबकि दूसरी हमारी क्रीम है बजाज नो मास्क का आयुर्वेदा एंटी मास्क क्रीम जो कि काफ़ी पुरानी क्रीम है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया गया, इसका नाम रख दिया गया आयुर्वेदिक एंटी मार्क्स क्रीम, क्योंकि ये आपके मार्क्स को हटाता है, मतलब एंटी मार्क्स की तरह वर्क करता है, स्पॉट्स को हटाता है, दाग धब्बों की समस्या को भी जड़ से खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। फ्रेंड्स, आज मैं इन दोनों क्रीमों का साथ में रिव्यू दे रहा हूँ, इन दोनों में कंपेरिजन करके बताऊँगा इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि हमारे कई सारे व्यूवर्स कमेंट करते रहते हैं कि सर बजाज नो मार्क्स आयुर्वेदा क्रीम का रिव्यू दीजिए, कुछ लोग कहते हैं फेयर एंड लवली के आयुर्वेदिक क्रीम का रिव्यू दीजिए। तो आज मैं इन दोनों क्रीमों को साथ में लेके आया हूँ। खास बात यह है कि इन दोनों क्रीमों में कि ये दोनों ही क्रीमें आयुर्वेदिक हैं, इन दोनों में बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आज का रिव्यू काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, ख़ासतौर पर कंपैरिजन है इन दोनों में। तो कंपैरिजन में हमें बात पता चलेगी इन दोनों में से बेस्ट कौन सा, जो बेस्ट होगा आप उसे ही चूज़ करिएगा, तो जिससे आपके चेहरे पर एक लंबे समय तक फेयरनेस बनी रहेगी। लेकिन उन सभी चीज़ों को बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे बजाज नो मार्क्स आयुर्वेदा क्रीम के बारे में। फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक एंटी मार्क्स क्रीम है। एंटी मार्क्स का मतलब होता है मार्क्स जो होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, उससे ये जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसकी मार्केटिंग प्राइस है 70 रुपये, ये 12 ग्राम का है। तो ये 70 रुपये का पैक आप आसानी से किसी ब्यूटी शॉप या कॉस्मेटिक शॉप से आसानी से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे लड़के लड़कियाँ हर तरीके के लोग लगा सकते हैं, छोटे बच्चे, अडल्ट, टीनेजर, हर एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं। लेकिन इसकी मेन कमी ये हो जाती है कि कुछ लोग इसे एक्ने पिंपल्स के लिए खरीदते हैं तो ये वर्क ही नहीं करता है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, उनके एक्ने पिंपल ना जाते हैं और बिल्कुल एज इट इज रह जाते हैं। और कुछ लोग इसे फेयरनेस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं तो ये फेयरनेस के तौर पर भी वर्क नहीं करता है। अगर वर्क भी करता है कुछ लोगों के चेहरे पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेता है, लगभग 2 से 3 महीने अगर आप इसे रेगुलर लगाएंगे तभी आपके चेहरे पर गोरापन देगा। इसी वजह से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बावजूद लोगों ने इसे लगाना छोड़ दिया था। तो फिलहाल मैं इसे रखता हूँ, अभी आगे कंपैरिजन होगा दोस्तों, और अभी इसका रिव्यू ही हुआ है, कंपैरिजन में हमें बात पता चलेगी कि अच्छी है या फिर नहीं। और हमारी जो दूसरी क्रीम है फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ फेयर एंड लवली का आयुर्वेदिक क्रीम जिसका इस्तेमाल बेसिकली एक्ने पिंपल्स और दाग धब्बों की समस्या के लिए किया जाता है। इसकी मार्केट प्राइस है 60 रुपये, ये 25 ग्राम का पैक है। तो 60 रुपये का पैक 25 रुपये में किसी ब्यूटी शॉप या कॉस्मेटिक शॉप से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी मेन कमी हो जाती है केवल महिलाओं के लिए, पुरुष इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसे केवल महिलाएँ ही इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसकी मेन कमी ये भी है कि लंबे समय तक फेयरनेस नहीं देता है। आप इसे लगाएंगे तब तक ये फेयरनेस देगा, जब आप इसे धुल लेंगे अपने चेहरे पर से तो ये मेकअप की तरह उतर जाता है, बिल्कुल भी ये लंबे समय तक फेयरनेस देने के काबिल नहीं। हालांकि इसका मेन फ़ायदा यह है कि आप इसे शादी पार्टी फंक्शन या पार्टी वगैरह में आसानी से लगा करके जा सकते हैं, जिससे आपके चेहरे पर एक अलग सी ग्लो बनी रहेगी और आपके चेहरे पर लंबे समय तक फेयरनेस बनी रहेगी दोस्तों, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेन फ़ायदा है। तो अब बात आती है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो प्राइस के मामले में लगभग मैं कहूँगा कि फेयर एंड लवली का आयुर्वेदिक केयर क्रीम काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, जबकि बजाज नो मास्क थोड़ा सा महंगा है। और जहाँ पे वर्किंग की बात आती है तो नो मार्क्स तो कुछ वर्क ही नहीं करता है, एकदम बेकार क्रीम है, जबकि फेयर एंड लवली का आयुर्वेदिक केयर क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। बस इसकी मेन कमी यह है कि इसे पुरुष नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छी क्रीम मानी जा रही है। और इसकी मेन कमी एक और हो जाती है कि ये इंस्टेंट फेयरनेस देता है, लंबे समय तक फेयरनेस नहीं देता है। लंबे समय तक अगर फेयरनेस नहीं देगा तो आप टेम्पररी फेयरनेस से अगर खुश हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो मेरी राय में फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है नो मार्क्स के कंपेरिजन में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।